चल आ गया हूँ एक नए बेहतरीन ब्लॉग के साथ। तो भाई अभी आपने देख लिया होगा थंबनेल, आइसक्रीम बनाने आ रहा हूँ मैं, और ये और उसके बिस्किट रियो का और डेयरी मिल्क वगैरह। तो मैं दूध लेके आता हूँ, दूध पकाते हैं और फिर आइसक्रीम बनाने स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं आइसक्रीम बनाने। ये भाई ये चीज़ है मेरे पास में, एक बिस्किट, दो, तीन, और एक ये रियो का है और एक ये डेयरी मिल्क है, और ये दो मूँगफली की मिठाई हैं। ये दो मूँगफली की मिठाई हैं ये, बाकी जो है ना दिखाता हूँ। बाकी अभी जूसर में ये दूध के साथ जो है ना मिक्स करेंगे, तो जूसर लेके आता हूँ मैं, फिर जो है ना इसको ग्राइंडर करते हैं और दूध पका के फिर बनाते हैं। तो भाई इसमें जूसर और दूध वगैरह लिया है, तो ये देखें, ये एक गिलास में दूध लिया है, एक गिलास में ना ये दूध है, फुल नहीं है मतलब गिलास, और बाकी ये चीज़ें। तो गिलास दूध को डालते हैं इस चक में, ये चम्मच निकाल लेता हूँ, ये डालते हैं इसके अंदर ही डाल रहा हूँ, कैमरा में देख रहा हूँ, एक मिनट थोड़ा और डाल देते हैं। बारी है बिस्किट वगैरह डालने की और चीज़ें डालने की, तो मैं इस पर लगाता हूँ रिंग लाइट पर, फिर दिखाता हूँ मैं आपको। अच्छा रिंग लाइट पे भी हमने जुगाड़ करी हुई, टेप लगाया हुआ है। तो ये इग्नोर कर दिएगा, तो दिखाता हूँ चलते फिर। तो भाई उसके बाद हम डाल रहे हैं ये ओरियो है, ये सही है, इसको खोलते हैं। खोलते बड़े मुश्किल से, ये खा लेता हूँ ऐसे ही मैं, कैमरा में ये दो आ रहे हैं 10 रुपये, दो खाली दो बिस्किट होते हैं इसके अंदर, ये रख देते हैं। अब दूसरी बारी, ये है रियो की, रियो चलाते हैं, रियो नखरे कर रहा है खुलने में भाई, सबसे अलग है ना इसलिए। ये तीन दे दिए रियो वाले ने, जब भी नखरे करता था खुलने में रियो। अब आ रही है मूंगफली की मिठाई, दूसरी मूँगफली की मिठाई, खुल नहीं रही भाई, ये खुल गई, एक मिनट खुल गई, ये देखो याद ही अंदर ही रह गई है, खुला आ गया बाहर। पारी है हमारी छोटी मोटी डेयरी मिल्क, जो पिघल चुकी है पूरी तरह से, पूरा चिपक जाएगी अंदर ये जाके, मुझे लग रहा है ऐसे ही खानी पड़ेगी हमारे को, पूरी अंदर चिपक चुकी है ये देखो, अंदर चिपकी है पूरी, अंदर ऐसे गिरानी पड़ेगी हमारे को। मच के जरिए करना पड़ेगा सब कुछ, चम्मच लेना पड़ेगा, चलो अब मिलते हैं आपको ग्राइंड करते हुए। ग्राइंड करने का तो ये सारी चीज़ें डल गई हैं, इसको मशीन में ला करते हैं, मशीन में लग गई, लग गई, ये आवाज़ बहुत कर स्टार्ट है मेरे ख्याल से। तो भाई ऊपर से पकड़ना पड़ेगा मुझे मोबाइल में करके ना,
बताइएगा आपका आपका जूसर भी ऐसी आवाज़ करता है भैं भैं, वरना कमेंट में बताइएगा कैसी आवाज़ करता है। हमारा तो भाई भैं भैं करता है, ये देखो आवाज़ सुनिएगा खाली। फुल चॉकलेट चॉकलेट आ गई अंदर, इस बात से देख रहा है। देख लेते हैं तैयार हुई है हमारी चॉकलेट। चॉकलेट ही तैयार हो गई है ये चॉकलेट। डाला वाइट दूध था, काला दूध हो गया, ये दूध भी काला हो गया भाई। वाह वाह भाई वाह, दूध काला हो गया, दूध का रंग भी काला होता है, काला हो गया दूध, डेयरी मिल्क बन गया। यानी अब तैयारी करते हैं, जो जुगाड़ लगानी है हमारे को आइसक्रीम बनाने के लिए, तो उसकी तैयारी करते हैं। तो वही जुगाड़ का सामान लिया है मैं, ये थैली है, थैली इसके अंदर डाल दें गिलास के अंदर। एक मिनट गिलास दिखाता हूँ, थैली में इसलिए लगा रहा हूँ कि जो है ना बाद में निकलेगा नहीं गिलास में, तो जो है ना वो आइसक्रीम निकलेगी नहीं, इसलिए थैली लगा रहा हूँ। जुगाड़ है ना हमारी, आइसक्रीम वाले नहीं करते होंगे जुगाड़, हम कर रहे हैं जुगाड़। लगा देते हैं भाई थैली, जो भाई थैली लग गई हमारी। अब निकालते हैं असल चीज़ को, निकल के आएगी ना ये डाली डाली, ये तो फुल हो गई भाई, जितनी डाली थी उससे ज़्यादा हो गई है ये डालने भाई, फुल हो गया है। तो मुझे लग रहा है ग्लास चम्मच से अंदर करनी पड़ेगी, चम्मच भी दे रहे हैं कैसे चॉकलेट में हो गया ये देख, ये थी तो चाहिए थी। और चॉकलेट बची है वो भी डाल लेते हैं, ये देखें ये अंदर से, अंदर वाली तो और ज़्यादा मज़ेदार होती है चॉकलेट, अंदर वाली और ज़्यादा मज़ेदार होती है, मज़ेदार। निकल जा भाई निकल जा। चलो भाई, तो भाई हमारे खाली है सामान वामान तो नहीं के अंदर, नहीं भाई। चलो भाई अब इसको रखते हैं डीप फ्रीज़र में या फ्रिज में, तो चलते हैं रखने। आप निकालेंगे इसको कल, क्योंकि जब तैयार हो जाएगी ये। The next day. भाई साहब नवन दिन एक भी हो गया, मतलब मैं स्कूल से आ चुका हूँ, स्कूल से वगैरह से पढ़ पढ़ा के आ गया, जिंदगी लग गया। देख लिया आपने, रात में बनाई थी मैंने आइसक्रीम, अब फ्रिज में रख दी है, तो फ्रिज निकाल के लाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। निकाल के लिए आएंगे, मैंने थोड़ी देर लगा दी थी पढ़ना, बाकी अभी डेकोरेट करेंगे इसको, बाहर निकालते हैं पीछे अभी पानी। तो मैं इसको निकालना शुरू करते हैं, निकलेगी ये निकलेगी ना ये गिलास के वैसे बिल्कुल निकल गई। कैमरा केली के अंदर भी लगी हुई है, आइसक्रीम केली वाली भी निकाल देते, केक लग रहा है मुझे, लेकिन है आइसक्रीम लगने का तो कुछ भी लग सकता है। अब इसको रखते हैं टाइटल केली को,
हमने जो है ना बना ली थी। अब तुम इसको निकाल दो। अब आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसी लग रही है यार इसमें। चीज बढ़िया है, चीज बढ़िया है। मूंगफली की मिठाई वैसे ना क्रंच भी आ रहे थे अंदर। कुछ नहीं अंदर आइसक्रीम बनी है हमारी, कैसी बनी है और ट्राई भी करिए आप घर पे के कैसी बन रही है। मेरे हिसाब से तो भाई सही बनी है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कैसी लग रही है और घर में भी बना के देखिएगा। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, वीडियो बनाए तो लिंक भी बांट दिएगा। तो अल्लाह हाफिज़।